Hey guys, welcome back to my YouTube channel शहनाज़ अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बिजनेस वाली सैड न्यूज़ बताने वाली हूँ सारे के सारे रियांश फैंस को। ये सैड न्यूज़ रियांश के रिलेटेड है। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, वानी जोड़ी जी, हाँ वानी जोड़ी एंड हमारे रियांश को भी हम लोग कितना पसंद किया एंड वानी जोड़ी को भी मतलब देखते हैं बट पसंद नहीं करते हम। वो हम लोगों की फेवरेट जोड़ी कौन है? रियांश। हमारे रियांश का म्यूज़िक एल्बम आना चाहिए बट वानी जोड़ी का म्यूज़िक एल्बम आ रहा है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वानी जोड़ी का म्यूज़िक एल्बम आ रहा है। सो म्यूज़िक एल्बम का रिलीजिंग डेट ये वो सब तो मुझको नहीं पता है बट अपडेट आई थी कि वानी जोड़ी का म्यूज़िक एल्बम आ रहा है। और उस म्यूज़िक एल्बम को जो है मतलब उस म्यूज़िक जैसे कोई शो को लॉन्च करती है, जैसे ममता मामेश्वर में जो टू को लॉन्च की थी, तो वैसे पायल जी हाँ पायल मैम ने पायल देव मैम ने जो है वेपनहा सॉन्ग को मतलब लाया है, रिलीज कर रही हैं। सो वानी जोड़ी उसमें देखेंगे, वानी जोड़ी की और भी एक म्यूज़िक एल्बम आ रही है। तो यही था बस अपडेट, और कोई अपडेट के साथ न्यू वीडियो पे मिलूंगी। सो आप लोगों को बता दें उस म्यूज़िक एल्बम का नेम है बेपनहा इश्क। जी हाँ, बेपनहा इश्क सॉन्ग है बेपनहा प्यार, उन लोगों का पहले म्यूज़िक एल्बम था वानी जोड़ी का एंड अभी बेपनहा इश्क आ रहा है। पायल देव मैम उनको जो मतलब से पायल दीप मैम उनका म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ कर रही हैं एंड वो म्यूज़िक एल्बम की अगर आप लोगों को कुछ डिटेल में अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट करना, मतलब मेरे वीडियोस पे कमेंट करना। मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट करके मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी, आंसर देने की कोशिश करूँगी कोई न्यू वीडियो में। सो या गाइस, यही था बस सैड न्यूज़, यही था बस बैड न्यूज़। इतना सारे हम लोगों ने वोट किया बट उसका कोई भी नहीं। अगर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में हमारा राधा कृष्णन जीत के अगर वानी जीत मतलब रियांश अगर नहीं भी जीता, अगर वानी जीता तो हम लोग मानते कि हाँ भाई वानी जोड़ी के भी वोट्स अच्छे थे एंड वानी जोड़ी को भी अच्छे खासे वोट्स गए थे एंड वानी जोड़ी की भी पॉपुलरिटी वैसी की वैसी है, तब हम लोग मानते कि जो रियांश जोड़ी की पॉपुलरिटी भी वैसी थी बट उसको ज़्यादा वोट गए वो जीता है, तब हम लोग मानते कि हाँ इसमें चीटिंग नहीं की गई। बट राधा कृष्ण जोड़ी और रियांश और वर्सेस अगर राधा कृष्ण जोड़ी की जाए तो रियांश को ज़्यादा जाएंगे और जो राधा कृष्ण जोड़ी है उसको नहीं जाएंगे। जी हाँ, सो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे रियांश को जो है वोट्स गए थे बट डिलेट होने लगे, इधर उधर क्या क्या सब प्रॉब्लम होने लग गए, इसी वजह से जो हमारे रियांश नहीं जीता। एंड आप लोगों को आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड पे कोशिश करना है एंड हमारे रियांश को जिताना है। सो यही आप लोगों को वोट करना है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड पे एंड वोटिंग लाइन्स क्लोज नहीं हुई है। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के वोटिंग लाइन्स ओपन है, आप लोग जाके वोट करो एंड हमारे रियांश ही जीतना चाहिए। सो हमारे रियांश को सपोर्ट करो एंड वोट करते रहो। कुछ फैंस जो है नाराज़ जो के बैठे हैं बट आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वोट करना है, बस इतनी छोटी सी बात है, वही कर दो हमारे रियांश के लिए, क्योंकि रियांश तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में वो नहीं जीता है तो आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में जीतना ही चाहिए।